इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक है आज हमारे पास, और इंश्योरेंस क्लेम के टॉपिक की आज पहली क्लास है। और पहली क्लास में हम लोग क्लास का इंट्रोडक्शन करेंगे, देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो जो भी आज क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ, पहले मैं आपको उसका बेसिक बताऊंगा, थोड़ी थ्योरी पर वर्क करूंगा, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की थ्योरी समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर करेंगे। ये प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। आईपीसीसी में ग्रुप फर्स्ट में इसमें से क्वेश्चन अगर आता है तो 10 नंबर का आता है, ठीक है, और अगर कभी छोटा आ जाएगा तो 5 नंबर का पक्का आता है। तो यानी आपको 5 या 10 नंबर तो ये चैप्टर देकर ही जाएगा, और बड़ा ही आसान चैप्टर है। थोड़ा सा इसे समझने की बात है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है और कुछ नहीं है। कोई इसमें अकाउंटेंसी का डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होती इस चैप्टर पर, ठीक है। ये प्योर एक मैथमेटिकल चैप्टर है जिसमें आपने अपनी मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग को ध्यान में रखना है। इंश्योरेंस क्लेम, देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सी जो फॉर्म्स होती हैं वो अपने इंश्योरेंस करवा कर रखते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो आपको मिलने पढ़ने को मिलने वाला है वो है कि जो इंश्योरेंस क्लेम कौन कौन से अराइज होते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम बिल्डिंग का भी हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम फर्नीचर का भी हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम जो कंपनी की अपनी एसेट्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनका भी हो सकता है। तो यहां पर जो इंश्योरेंस क्लेम है वो कंपनी के अपने प्रीमाइसिस के बारे में बातचीत की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर जो इंश्योरेंस क्लेम आप पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो एक तो पढ़ने जा रहे हैं आप लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में, लॉस ऑफ स्टॉक। जैसे कि कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये कंपनी की बिल्डिंग है, शोरूम है, ठीक है, ये कंपनी का शोरूम है, और इसमें क्या हुआ, इसमें आग लग गई, यानी अब ऐसी हालत में यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो आपका सामान रखा हुआ है उसमें से स्टॉक का लॉस हो गया है। इसके अलावा बाकी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उसका भी हो गया है। तो बिल्डिंग फर्नीचर के जो लॉस हुआ है उसकी बात नहीं की जा रही है इस चैप्टर में, हम सिर्फ दो ही बात करेंगे, एक लॉस ऑफ स्टॉक, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये पहली 1 जनवरी है और यहां पर आपको बैलेंस शीट बनाई गई है और यहां पर कोई स्टॉक आपके पास है, और मानकर चलिए कि ये डेट है 18 अप्रैल, ठीक है, और यहां पर ये आग लग गई, यानी ये क्या है, डेट ऑफ फायर। तो यहां पर जब आग लग जाती है और इस आग को वापस नॉर्मल कंडीशन में लाने पर हमें लगभग 2 महीने लग जाते हैं, यानी 18 अप्रैल से 18 मई और 18 जून, 2 महीने हमारा क्या रहा, नॉर्मल पीरियड रहे। तो ये जो 2 महीने का पीरियड है ये इफेक्टेड एरिया है जिसे हम इंडेमनिटी पीरियड कहते हैं। इंडेमनिटी पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, क्षतिपूरक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षति से बचने का। तो ये आपको जो लॉस हुआ है वो कितने महीने में हुआ, वो 2 महीने तक हुआ, तो ये आपका इंडेमनिटी पीरियड है। कितने महीने का पीरियड है, इंडेमनिटी पीरियड। नॉर्मली एक इंश्योरेंस कंपनी 6 महीने का इंडेमनिटी पीरियड देती है, पर अगर 6 महीने से ज्यादा का इंडेमनिटी पीरियड आपको चाहिए तो आप कंपनी से उसकी पॉलिसी ले सकते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट करके। तो स्टूडेंट्स यहां पर जब आग लगी तो जो स्टॉक इसके अंदर रखा हुआ था वो जल गया, तो उसे कहेंगे लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। हमारे जो कैमरामैन है मिस्टर शिवा,
उनसे भी बात कर रहा हूँ मैं, तो आपसे बात करते हैं। तो जब दुकान में आग लग जाएगी तो जो दुकान के अंदर रखा हुआ स्टॉक है वो जल जाएगा, तो वो क्या हो गया? लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। तो अब व्यापारी बिजनेसमैन इंश्योरेंस कंपनी से कह रहा है कि जो मेरे स्टॉक में जो फायर में आग लग गया है और स्टॉक मेरा डिस्ट्रॉय हो गया है, आप मुझे उसका क्लेम दीजिए। किससे कह रहा है वो? इंश्योरेंस कंपनी से कह रहा है। लेकिन आप जरा देखिए, अब मैं आगे इससे आगे भी जा रहा हूं। ये जो बिल्डिंग है इसे नॉर्मल होने ये बिल्डिंग है, वापस देखिए मैं दोबारा से इस बिल्डिंग को बना देता हूं, और अब ये बिल्डिंग देखो कैसे हंस रही है। ये शोरूम वापस फिर से हरा भरा हो गया है। कितना टाइम लगाया इसने? 2 महीने लगाए। तो 2 महीने में क्या मैं नॉर्मल बिजनेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 2 महीने में मुझे इन सबको यहां तक लाने में बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ेंगे। फर्नीचर चेंज करवाना पड़ेगा, दीवारें खराब हो गई हैं, स्टॉक को दोबारा रखना पड़ेगा, फाइलें, ऑपरेशन, कंप्यूटर, ऑफिस केबिन्स, न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। तो वापस पुराने कंडीशन में आने में अगर 2 महीने लग जाते हैं तो ये 2 महीने मेरा इंडेमनिटी पीरियड है, और इन 2 महीने में मैं नॉर्मल बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं नॉर्मल बिजनेस करता तो मेरी सेल्स होती कितनी? मान लीजिए 10 लाख। लेकिन अब कितनी सेल्स है? तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, नॉर्मल सेल्स इस 2 महीने में मेरी 10 लाख होती है, लेकिन इंडेमनिटी पीरियड में मेरी सेल्स हो गई 8 लाख। तो मेरी सेल्स कितनी कम हुई? और अगर मेरा जीपी रेशो 10% है तो मोटे मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि मैं 20,000 रुपए का प्रॉफिट मेरा खो गया है। 20,000 रुपए का प्रॉफिट, इसी को कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं तो मैं अभी आप जब यहां पर चलेंगे तब बताएंगे। अभी मोटा मोटा बताया है कि अगर मेरा बिजनेस नॉर्मल बिजनेस होता, आग ना लगी होती, तो मैं 10 लाख रुपए का सेल्स कर पाता। ये मुझे कैसे पता लगा? पिछले ट्रेंड के हिसाब से। पर अब एक्चुअल सेल्स कितनी हुई? 8 लाख, क्योंकि इंडेमनिटी पीरियड में था, मैं ढंग से सेल्स नहीं कर पाया। कई बार तो पता चला शॉप ही बंद करनी पड़ी, शॉप बंद करनी पड़ी तो मैं सेल नहीं कर पाया, मेरी सेल कम हो गई। ठीक है, तो जब तक वो माल खराब था उसे बाहर निकाला, नया माल रखा, तो शॉप बंद करनी पड़ी, मुझे सेल्स ऑपरेशन नहीं करने पड़े, या मुझे सामने की जो बिल्डिंग थी वो किराए पर लेनी पड़ी। ठीक है, मेरे खर्चे बढ़ गए। तो इस तरीके से मेरी जो सेल्स थी वो 10 लाख की जगह 8 लाख हुई। तो यानी मेरी जो सेल्स में डाउनफॉल हुआ है वो 2 लाख का हुआ है। मेरा जीपी रेशो 10% है, तो अगर मैं कमाने से वंचित रह गया, ठीक है, तो मैं कितने से मेरी सेल्स रह गई? 20,000 रुपए से मेरा प्रॉफिट कमाने से रह गया। ये मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से कह रहा हूं कि भाई मेरा जो प्रॉफिट लॉस हो गया है तुम मुझे उसका भी क्लेम दो, यानी मेरे 20,000 रुपए भी दो जो मैं कमाता और जो मैं नहीं कमा पाया। ये बात समझ में आ गई? अब स्टूडेंट्स, मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि ये बेसिकली 2 पॉलिसी हैं। पॉलिसी नंबर 1 लॉस ऑफ स्टॉक, पॉलिसी नंबर 2 लॉस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी लॉस ऑफ प्रॉफिट आपको तब तक नहीं देगी जब तक आप इसकी पॉलिसी ना लें, और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी लॉस ऑफ प्रॉफिट की का क्लेम आपको तभी देगी जब आपने लॉस ऑफ स्टॉक करा रखा होगा। यानी अगर आपने लॉस ऑफ स्टॉक की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आप डायरेक्ट पॉलिसी कोई भी कंपनी आपको नहीं देने वाली। ये बातें क्लियर हो गई? जनरल कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, इसमें बुकिश अप्रोच नहीं है, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं जो इंश्योरेंस कंपनी करती है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से आता हूं कि हम पढ़ रहे हैं आईपीसीसी में इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर, और इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में आपको 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। या तो आपको स्टॉक का जो लॉस है वो निकलवाने के लिए कहा जाएगा, या आपको जो प्रॉफिट में लॉस हुआ है वो निकलवाने के लिए कहा जाएगा, या एडवांस लेवल पर एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट्स कि जिसमें उसी क्वेश्चन में लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है और उसी क्वेश्चन में आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? अब देखिए, मैं वापस चैप्टर की शुरुआत में आता हूं, मैं इसे रब कर देता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उतारने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब दोबारा से होने वाला है और कई बार होने वाला है। तो सवाल ये उठता है स्टूडेंट्स कि जो रिस्क है वो कौन सा होगा, यानी जो पेरिल है,
पेरिल यानी रिस्क। तो स्टूडेंट्स, फायर का इंश्योरेंस कराया जाएगा। फायर के अलावा जो अदर रिस्क होते हैं, दूसरे जो पेरिल्स होते हैं, जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज, जो दंगे हो जाते हैं, राइट्स, ठीक है। तो इस तरीके के कई तरीके के आप इंश्योरेंस करा सकते हैं अपनी कंपनी से, ठीक है। नेचुरल क्लाइमेटी यानी फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, तो ये सभी रिस्क होते हैं जिसके कारण आप लोग इंश्योरेंस कराते हैं। जिनमें जो मेन होता है वो होता है फायर। फायर के अलावा जो नेचुरल जो डिसास्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, या जो दंगे हो जाते हैं, हो जाते हैं ना कई बार, कुछ शहरों में दंगे हो गए, लूटपाट हो गई, तो वो सब, तो आप इनका एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर आप अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। नॉर्मली जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो फायर की मिलती है, लेकिन आप इन सब के लिए भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाई पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। ये बात क्लियर हो गई। ये नॉर्मल एक इंश्योरेंस के क्लॉजेस होते हैं। अब सवाल है कि मैं इंश्योरेंस किसका कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, जो इंश्योरेंस कराया जाता है वो हमेशा स्टॉक का होता है। अब सवाल है कितना, हाउ मच। तो स्टूडेंट्स, आपको जो इंश्योरेंस कराना चाहिए वो उतना कराना चाहिए जितना आपका स्टॉक है, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मल स्टॉक है आपको उसके इक्वल अपना इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। पर अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नॉर्मल स्टॉक से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा ले लेते हो, देखो एक सिचुएशन ये है, दूसरी सिचुएशन है कि आपका नॉर्मल जो स्टॉक है आपने इंश्योरेंस पॉलिसी उससे ज्यादा की ले ली। यानी आपका नॉर्मल स्टॉक है 1,00,000 रुपए का और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 1,00,000 के लिए, तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही इंश्योरेंस करवाया है। आप जिस कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर जाएंगे और वहां का मैनेजमेंट आपसे कहता है कि इंश्योरेंस करवा कितना करवा लें, तो ये आपका अपना डिसीजन है। तो आप देखेंगे कि नॉर्मल स्टॉक कितना है, आपको उतना ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट को इस तरीके से कहते हैं कि सर 1,00,000 रुपए का स्टॉक है तो हम ऐसा करते हैं 1,40,000 रुपए का इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो इसे ओवर इंश्योरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवर इंश्योरेंस। और स्टूडेंट्स, मानकर चलिए कि आपका अगर उस क्वेश्चन में कोई लॉस हो जाता है तो ओवर इंश्योरेंस कराने से आपको ज्यादा क्लेम नहीं मिलने वाला। आपको क्लेम तब भी 1,00,000 के हिसाब से मिलेगा, कोई भी कंपनी इससे ज्यादा क्लेम पास नहीं करेगी। अब सवाल उठता है, सर ऐसा क्यों नहीं है, जब मैंने पेमेंट करा है तो मुझे ज्यादा क्लेम क्यों नहीं मिल सकता, और सर जब मैंने पेमेंट करा है तो क्यों नहीं मिल सकता, और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट क्यों किया, अगर उन्होंने एक्सेप्ट करा तो मुझे ज्यादा क्लेम देना चाहिए। तो इन सभी सवालों के मैं दो जवाब देने जा रहा हूं। पहला जवाब तो यह है कि इंश्योरेंस जो होता है सेल्फ डिक्लेरेशन पॉलिसी के बेस पर होता है। यानी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वेरिफिकेशन के लिए आपके यहां पर नहीं आ रही, आप सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरे यहां ये नॉर्मल इंश्योरेंस है। वो वेरिफिकेशन करने कब आते हैं, जब आग लग जाती है, वो तो उस दिन आएंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं आप सबमिट कर दीजिए, सेल्फ डिक्लेयर होता है, ठीक है ना। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करता हूं मैं, लाइफ इंश्योरेंस में मुझे यहां पर यह भी याद आया कि मुझे आपको यह भी बताना चाहिए कि इंश्योरेंस कितने तरीके के होते हैं, तो मैं वो भी बताऊंगा अभी आपको। तो लाइफ इंश्योरेंस में एक आदमी लाइफ इंश्योरेंस का जब डॉक्यूमेंट भरता है तो क्या कहता है कि मैं जी तंबाकू नहीं खाता हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं, मुझे डायबिटीज नहीं हुई है, वो क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन है। और बाई चांस उस आदमी की अगर डेथ हो जाती है और डायबिटीज से ही डेथ हो गई तो कंपनी को तो पता लग गया ना कि ये तो डायबिटिक था, तो कंपनी उसकी मेडिकल रिपोर्ट से पता लगा लेगी कि डेट ऑफ इंश्योरेंस पर उसे डायबिटीज थी या नहीं थी। अब पता चला एक आदमी को तीसरा अटैक आया और थर्ड अटैक में हार्ट फेल होने के कारण उसकी डेथ हो गई, और उसकी पॉलिसी चेक करी तो पता लगा कि उसने पॉलिसी में डिक्लेयर करा था कि मेरे को तो कभी हार्ट अटैक आया ही नहीं, और जबकि उसकी मेडिकल फाइल से जो डॉक्टर के यहां से मिली थी उसमें साफ साफ प्रूव हो गया था कि जब उसने इंश्योरेंस कंपनी करवाया था अपना लाइफ इंश्योरेंस
तो उसमें उसको फर्स्ट अटैक आ चुका था तब तक, उस डेट तक। तो इसका मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी में उसने डिक्लेरेशन दी थी वो फॉल्स मानी जाएगी। ऐसी हालत में क्लेम नहीं मिलेगा, उसके परिवार को कोई क्लेम नहीं मिलने वाला। ये माना जाएगा कि जो इंश्योरेंस लिया गया था वो झूठ बोलकर लिया गया था। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यानी स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर होता है और कंपनीज वेरिफिकेशन तब करती हैं जब कोई आदमी, कोई पर्सन, कोई इंश्योर्ड पर्सन अपना क्लेम लेने ऑफिस में पहुंचता है, तब वहां पर जांच प्रक्रिया शुरू होती है। उससे पहले उन्हें कोई मतलब नहीं, वो प्रीमियम लेकर बैठ गए। तो यानी यहां पर आपको नॉर्मल इंश्योरेंस 1,00,000 के हिसाब से ही पास होने वाला है। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट पर आते हैं। तुमने कहा जब ऐसा है तो तुमने नॉर्मल इंश्योरेंस 90,000 रुपए का करवाया, यानी सॉरी नॉर्मल स्टॉक आपका 1,00,000 का था पर आपने इंश्योरेंस कराया 90,000 रुपए का, यानी नॉर्मल स्टॉक ज्यादा है और इंश्योरेंस पॉलिसी कम है, ऐसे ही कहेंगे ना? यस, ये मैथमेटिकल होगा। तो स्टूडेंट इसे बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। आईपीसीसी एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आते हैं अंडर इंश्योरेंस के। ओवर इंश्योरेंस के आएंगे तो भी आपसे कोई गलती नहीं होने वाली, पर अंडर इंश्योरेंस में आपसे गलती हो सकती है। तो अगर आपने अंडर इंश्योरेंस करवाया है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपकी कंपनी ने आपको कहा कि जी इंश्योरेंस कराइए और आपने अंडर इंश्योरेंस करा दिया, तो जब क्लेम का वक्त आएगा और उस समय पता चला जो लॉस ऑफ स्टॉक है, सामने देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं, शिवा जरा सामने फोकस कर दीजिए, दिख रहा है क्या? मान लीजिए लॉस ऑफ स्टॉक 40,000 रुपए का हुआ है, 40,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी 40,000 का क्लेम पास नहीं करेगी। स्टूडेंट्स, अरे सर क्या बात करते हैं, हमने तो 90,000 रुपए का इंश्योरेंस करा ही रखा है तो 40,000 रुपए का इंश्योरेंस तो हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि 40,000 जो क्लेम है वो 90,000 से कम है, तो इसलिए कम से कम 40 तो मिले, 90 तक तो मिले, ठीक है 1,00,000 ना दे, 90 तक तो दे। नहीं स्टूडेंट्स, नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपनी उस समय पर ये कहेगी कि आपने अपना नॉर्मल जो इंश्योरेंस कराना था, नॉर्मल स्टॉक 1,00,000 का था, तो आपको 1,00,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए थी, पर आपने 90,000 रुपए की पॉलिसी ली। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो 1,00,000 रुपए की आपका नॉर्मल स्टॉक था उसमें से जो रिस्क था, रिस्क जो आपका पेरिल था, उसमें 90,000 रुपए तो आपने शेयर करे विद इंश्योरेंस कंपनी, विद इंश्योरेंस कंपनी, और 10,000 रुपए आपने सेल्फ रिस्क लिया है, यानी आप अपने आप में एक इंश्योरेंस कंपनी बन गए। आपने कहा मैं भी इंश्योरेंस कंपनी हूं, 10,000 रुपए का इंश्योरेंस मैं खुद बियर कर लूंगा, यानी आपने सेल्फ बियर करा है, खुद सहन करने का वादा करा है। यानी इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि आपने अंडर इंश्योरेंस कराया है और आपने कितना इंश्योरेंस कराया है, रियल वैल्यू का 90%, तो इसलिए आपको क्लेम भी, शिवा सामने, इसलिए आपको क्लेम जो मिलेगा वो 90% ही पास होगा। इस रूल को कहते हैं एवरेज क्लॉज। क्या कहते हैं? एवरेज क्लॉज। तो एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस में, लॉस ऑफ स्टॉक में भी और लॉस ऑफ प्रॉफिट में भी। ये बात क्लियर हो गया? और एवरेज क्लॉज कब लगाना है? जब आपने अंडर इंश्योरेंस, जब आप पाते हैं कि आपको आईपीसीसी एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जहां पर अंडर इंश्योरेंस है, आपने पाया कि स्टॉक तो 5,00,000 रुपए का है लेकिन इंश्योरेंस 4,00,000 रुपए का करा रखा है, तो यहां पर एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप पाते हैं कि स्टॉक 5,00,000 का है और इंश्योरेंस 6,00,000 का ले रखा है, तो भले ही ओवर इंश्योरेंस 110%, 120%, 140, 130, 150% है, लेकिन क्लेम पास 100% ही होगा। कितना होगा? 100, नॉट मोर देन 100% कभी भी पास नहीं होगा। इसका जवाब तो मैंने दिया नहीं कि ऐसा क्यों होगा, कि अगर मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूं तो मेरा ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम क्यों नहीं पास होता। तो इसका जवाब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस क्लेम के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका नेचर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब है क्षति का अनुबंध, यानी जितना आपकी क्षति हुई है, जितना आपकी हानि हुई है, हानि का अनुबंध है। यू कांट मेक प्रॉफिट फ्रॉम योर लॉसेस, ये लॉ ऑफ डैमेजेस है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, यू कांट अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम योर डैमेजेस। तो लॉ ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि जो आपको लॉस हुआ है, जो आपका हर्जाना हुआ है, वो तो मैं दे दूंगा, पर उससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए ओवर इंश्योरेंस होने पर भी आपका इंश्योरेंस उतना पास नहीं होगा, भले ही आपने ज्यादा इंश्योरेंस करा रखा है, आपका इंश्योरेंस कम ही पास होगा। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि इस केस में आईपीसी एग्जाम में आपको लॉस ऑफ स्टॉक निकालना पड़ेगा और लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमें ध्यान में रखना है कि हम जो भी इंश्योरेंस कराएं वो हमेशा नॉर्मल स्टॉक के इक्वल कराएं। जब आप किसी कंपनी में मैनेजमेंट लग जाओगे और मैनेजमेंट आपको इंश्योरेंस के लिए कहेगा कि बताइए चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब कितने का इंश्योरेंस कराना है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपका जो नॉर्मल स्टॉक है आप इंश्योरेंस पॉलिसी उसी के लिए। सेम यही केस लॉस ऑफ प्रॉफिट पर भी अप्लाई हो जाएगा कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है उतने का इंश्योरेंस लें, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा का इंश्योरेंस ना करवाएं। नॉर्मल प्रॉफिट से कम इंश्योरेंस कराने पर आप अंडर इंश्योरेंस माने जाएंगे और एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाएगा। यही रूल्स लॉस ऑफ स्टॉक में भी है, यही रूल लॉस ऑफ प्रॉफिट में भी, मतलब कि ये रूल्स सारे इंश्योरेंस एक्ट में हर जगह पर है। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? आपको लगता है अगर इसमें कुछ काम का है तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो मैं आगे चलता हूं। क्या इरादा है, आगे चले? ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आगे मैंने आपको बताया था कि जो इंश्योरेंस है देखिए वो दो तरीके का होता है। एक होता है स्टूडेंट्स लाइफ इंश्योरेंस, एक स्टूडेंट्स होता है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। तो स्टूडेंट्स लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ ह्यूमन लाइफ का होता है। यहां पर किसका, यानी अगर मैं आए अगर एक किसान, ठीक है, अपनी काऊ का इंश्योरेंस करा दे तो वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आएगा, वो जनरल इंश्योरेंस में ही आएगा। यहां पर सिर्फ ह्यूमन लाइफ है, ठीक है? तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि आप ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती। वो क्या है, वो उसकी कोई वैल्यू का मतलब है यहां पर कि जितनी मर्जी वैल्यू लगा लो आप उसकी कोई लिमिट नहीं बना सकते कि 2 लाख से ज्यादा का इंश्योरेंस नहीं होगा, वो 2 करोड़ 20 करोड़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन जनरल इंश्योरेंस में जो लॉ ऑफ इंडेमनिटी है वो ये कहता है कि जो उस सामान की वैल्यू है उस वैल्यू से ज्यादा इंश्योरेंस नहीं हो सकता। अगर आप मल्टीपल कई इंश्योरेंस कंपनी से अलग अलग पॉलिसी भी ले लेंगे कि मान लीजिए आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया है, कार है 4 लाख रुपए की, अब 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपने इंश्योरेंस कंपनी नंबर 1, इंश्योरेंस कंपनी नंबर 2, इंश्योरेंस कंपनी नंबर 3, इंश्योरेंस कंपनी नंबर 4, चार इंश्योरेंस कंपनी से 4-4 लाख का करा दिया। और मान लीजिए कार चोरी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 बार मिलेंगे, आपको इंश्योरेंस एक ही बार मिलेगा, वो है 4 लाख, और वो सारी इंश्योरेंस कंपनी मिलकर देंगी आपको या कोई एक इंश्योरेंस कंपनी देगी। यानी जनरल इंश्योरेंस में आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन लाइफ में ऐसा पॉसिबल है कि आप 4 लाख 5-6 कंपनियों से करा लीजिए और अगर बाई चांस जिस आदमी ने इंश्योरेंस कराया उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसे अपना क्लेम सभी इंश्योरेंस कंपनी से अलग अलग लेने का राइट है, क्योंकि यहां पर जो मानव जीवन है वो अमूल्य है, ठीक है ना? ये बात क्लियर। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो इंश्योरेंस क्लेम पढ़ रहे हैं, वो जनरल इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट में आता है। तो लॉ ऑफ इंडेमनिटी ये कहते हैं कि आप जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स वो पहले टाइप के केसेस से करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक।
देखिए स्टूडेंट्स, दुकान में या ऑफिस में आग लग गई है, जो स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ था वो जल गया है, और जो गोडाउन में जल गया है अब उसके लिए आप क्लेम मांग रहे हैं, तो क्वेश्चंस कैसे होंगे, रूल्स कैसे होंगे, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ स्टॉक के जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको दो हिस्सों में बांटता हूं, ठीक है। पहला तो है कि जब उसके स्टॉक मेंटेन किए जा रहे हैं, यानी व्हेन स्टॉक रजिस्टर्स आर मेंटेन्ड, जब स्टॉक रजिस्टर रखे जा रहे हैं और ये जले नहीं है, एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, और दूसरा है व्हेन स्टॉक रजिस्टर्स आर मेंटेन्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन फायर, और आग में या जिस जो भी आपने इंश्योरेंस करा रखा है उसमें ही इसमें आग लग जाती है, ठीक है। या यूं कहें, अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन दो ही होंगे स्टूडेंट, तीसरा नहीं होगा। अगर पहले टाइप का क्वेश्चन है तो बहुत आसान है, आपका स्टॉक रजिस्टर आपके पास है, आग में जला नहीं है, तो स्टूडेंट रजिस्टर से आप देखो कि स्टॉक कितना होना चाहिए, ठीक है। तो रजिस्टर में क्या है, रजिस्टर में देखिए कि ये कितना होना चाहिए, रजिस्टर बता देगा आपको, रजिस्टर बता रहा है कि 5 लाख रुपए का स्टॉक होना चाहिए, कितने का होना चाहिए, 5 लाख का, क्योंकि रजिस्टर अभी जला नहीं है। रजिस्टर में क्या क्या एंट्रीज होती हैं, रजिस्टर में एंट्री है अवेलेबल की, ओपनिंग बैलेंस की, जो परचेज करा है उसकी, जो इशू करा है उसकी, और जो बच गया है उसकी। तो जो बच गया है स्टॉक वो बता रहा है कि 5 लाख रुपए का होना चाहिए, लेकिन आग लग गई, आग लगने के बाद जब आग को बुझा दिया गया और जब उसमें से फिर स्टॉक को निकाला गया और जो सही सलामत स्टॉक बचा था, ठीक है, और जो छोटा मोटा खराब स्टॉक था उसकी जो कबाड़ कीमत थी, उन सब के हिसाब से जो उसका वैल्यूएशन किया गया, यानी कि एक्चुअल स्टॉक का जो वैल्यूएशन हुआ वो मान लीजिए हुआ 80,000 रुपए का, तो स्टूडेंट लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया, डेफिनेटली 4,20,000 लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। यानी इसका मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन है तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान में रखना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ली थी, इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ली थी 5 लाख रुपए की तो पार पर हो गया, पूरा क्लेम पास हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम आपने 6 लाख रुपए का करवा रखा था तो आपने ओवर इंश्योरेंस करा रखा था तो भी आपका पूरा क्लेम पास हो जाएगा, पर अगर आपने इंश्योरेंस 5 लाख की जगह पर मान लीजिए 4 लाख रुपए का करा रखा है तो इसका मतलब आपने जितने का इंश्योरेंस कराना था उसमें से 80% इंश्योरेंस करा रखा है, अंडर इंश्योरेंस कितना 80%, तो आपको इस क्लेम का 80% ही पास होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कहेगी जब तुमने 20% इंश्योरेंस नहीं कराया तो इसके लॉस में से 20% आप खुद बियर करो, आप हमसे मत बियर करवाओ। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब पूरी क्लास में, आज की क्लास में, आने वाली जितनी भी क्लासेस जब तक ये चैप्टर में खत्म नहीं करूंगा यही क्वेश्चन चलता रहेगा स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ स्टॉक का, और आईपीसी से एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, ये आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ गया, नहीं आ गया, तो मैं यही क्वेश्चन स्टार्ट
करने जा रहा हूं, तो मैं इसे यहां से हटा सकता हूं, मिटा सकता हूं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो ये जब यहां पर अकाउंट्स मेंटेन नहीं है तो फिर कैसे निकाला जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी हालत में यू हैव टू प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आपको एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आपको मालूम है कैसे बनता है? इस क्वेश्चन को खत्म है, मैं इसी के लिए समझा रहा हूं, जो कुछ भी समझा रहा हूं फिलहाल यहां पर है। मान लीजिए ये 1 जनवरी है, मान लीजिए ये 31 दिसंबर है, ठीक है। यहां पर एक बैलेंस शीट है जहां पर स्टॉक है, और मान लीजिए यहां पर ये डेट ऑफ फायर है। तो स्टूडेंट्स, इसके बीच में हमारे जो अकाउंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं या मेंटेन नहीं हो पाए थे। तो अब डेट ऑफ फायर में यहां पर बनेगा क्या? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो स्टूडेंट, जो ये ओपनिंग स्टॉक यहां पर है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और इस टाइम में जो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारी एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट में होंगी। बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शन हुए जिनसे स्टॉक इंक्रीज हुआ है, और बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शन हुए जिनसे स्टॉक कम हुआ है, तो वो सब यहां पर आएगा। जैसे कि, यानी मैं वापस अपने फेयर पर आ जाता हूं, ओपनिंग स्टॉक यहां आ गया। अब बताइए, इस पीरियड में स्टॉक इंक्रीज होगा तो कैसे होगा? परचेज करने से। तो इसका मतलब परचेज डेबिट में लिखोगे आप, लेस परचेज रिटर्न, और उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करोगे। स्टॉक कम कैसे होएगा? बेचने से। तो इस पीरियड में जो सेल्स है वो आप यहां लिखोगे, आप लेस सेल्स रिटर्न माइनस करके बाहर ले जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स, लेस। लेस परचेज रिटर्न, अगर आपने कोई खर्चा वगैरह कर दिया है जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेते हैं, तो यहां पर एक्सपेंसेस भी अगर आपको बताए हुए हैं जिसे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहां पर आएंगे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक तो आप लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो मालूम ही नहीं है। तो अब क्या होगा इसके लिए? जरा इधर आ जाइए कि जो ये मेरा अकाउंटिंग चार्ट है, जो यहां पर मेरी बैलेंस शीट है, तो लास्ट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ली जाएगी, जो पिछले ट्रेंड के बेसिस पर निकालेंगे हम। इसका ये मतलब हो गया कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए उससे पहले मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें मैं पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा जो एक्चुअल होगा, क्योंकि जो ये ईयर है इस ईयर से पहले का तो मेरे पास सारे डाटा अवेलेबल था, पब्लिश्ड होगा, वो तो नहीं चला होगा, वो मेरे इंटरनेट पर होगा, वो मेरे स्टॉक एक्सचेंज में है, वो मेरे क्रिएटर्स के पास है, वो मेरे यूजर्स के पास है, मैं उस वो मेरे चार्टेड अकाउंटेंट के घर पर भी रखा हुआ होगा, सॉरी ऑफिस में, तो वो तो मिल जाएगा ना, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, वो मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी होगा पिछली रिटर्न के साथ,
तो जो पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट है उनके बेस पर मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लूंगा पिछली ट्रेंड के बेसिस पर। अब जरा सामने देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%, कितना है? तो स्टूडेंट्स ये जो सेल्स है इस सेल्स का 25% मैं यहां लिखकर यहां ग्रॉस प्रॉफिट लिख दूंगा, क्योंकि अब मैं अंदाजा ही तो लगा सकता हूं। और जो मेरी इंश्योरेंस कमेटी है जो इंश्योरेंस क्लेम पास करेगी वो भी अंदाजा ही लगाएगी कि ठीक है पिछले साल इतना कमाते थे इस साल भी इतना ही कमाएंगे। अब आपके कई क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर माल भी तो महंगा हो सकता है। हाँ जी हो सकता है, अगर वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो आप उसके हिसाब से फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को एडजस्ट करेंगे, उसे कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेलिंग प्राइस भी तो ज्यादा हो सकती है कि जो चीज मैं पहले 100 की बेचता था मैं 110 की बेच रहा हूं, महंगा करके बेच रहा हूं। तो अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन है तो फिर मैं उसके हिसाब से जीपी रेशियो को एडजस्ट करूंगा और फिर एडजस्टेड जीपी रेशियो यहां लिखूंगा। मैंने कहा था ना ये चैप्टर मैथमेटिक्स का है तो यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे और फिर इस जीपी रेशियो को एडजस्ट करके मैं यहां पर शो करूंगा। और स्टूडेंट सामने देखिए इधर का कर दिया टोटल और वो क्रेडिट में लिख दिया और जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स ये मेरा स्टॉक है। ये मेरा क्या है? स्टॉक है स्टूडेंट, जो मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। किसे निकाला है? और ये क्या हो गया? एक्चुअल। ये कौन सा स्टॉक है जो एक्चुअल होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए, सही है? लेकिन सामने देखिए क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तो ये हो गया, लेकिन जब आग बुझ जाएगी और सामान जब बाहर निकाला जाएगा और स्टॉक को जब बाहर निकाला जाएगा तो फिर जो स्टॉक का जब कैलकुलेशन होगा उसका जब देखा जाएगा स्टॉक क्या है तो एक्चुअल स्टॉक देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? मान लीजिए इसके हिसाब से ये आता है 8 लाख रुपए का, कितने का आता है? पर एक्चुअल स्टॉक देखा हमने 3 लाख का है, तो इसका मतलब 5 लाख रुपए का क्या माना जाएगा? लॉस ऑफ स्टॉक। ये बात क्लियर हो गई? तो ये आपका लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम है। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 8 लाख रुपए की ले रखी है तो एक क्लेम पास हो जाएगा, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 8 लाख रुपए से ज्यादा के लिए रखी है तो भी एक क्लेम पास हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 8 लाख रुपए से कम की ली हुई है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाएगा और जितनी परसेंटेज आपने क्लेम की करवाई है उसी वही परसेंटेज पास होगी, बाकी परसेंटेज पास नहीं हो पाएगी। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स सबको? ठीक है, इसमें से कुछ उतारना है आप लोगों ने? ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसे उतार लीजिए। अब इसके बाद स्टूडेंट मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने चाहिए आप लोगों को जिससे आप ये कर पाए, लेकिन क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज का इंट्रोडक्टरी लेसन आज फिनिश होता है ऑनलाइन क्लासेस वालों के लिए। ठीक है, तो क्लास को फिनिश करने से पहले मैं क्वेश्चंस में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं मैं उसका एक इंट्रोडक्शन आपको जरूर देना चाहूंगा ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो आपको पहले से मालूम हो कि क्या क्या हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स कोचिंग का क्या फायदा होता है? कोचिंग का फायदा, गुरु का फायदा क्या है? गुरु का फायदा है कि गुरु पहले से ही बता देते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। आप ये समझिए कि दो आदमी हैं, दोनों आदमी खजाने की तलाश में जा रहे हैं। आप लोग किस लिए जा रहे हैं? आप लोग सीए बनने जा रहे हैं ना, तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आप सीए बनने के बाद क्या उम्मीद करते हैं कि जैसे खजानों में पैसा भरा रहता है ऐसे तुम्हारे बैंक बैलेंस में पैसा रहेगा? आप एक खजाने की तलाश में जा रहे हैं ना, और खजाना कोई भी आराम से मिल जाता है या बड़े ही मेहनत करने के बाद और बड़ा दिमाग लगाने के बाद मिलता है? दिमाग लगाने के बाद और मेहनत भी, तो ये वही बात है बेटा। सीए में भी सीए पूरा करने के लिए आपको दो काम करने हैं, मेहनत करनी है ठीक है और दिमाग लगाकर मेहनत करनी है। लेकिन अब मैं वापस उन दो दोस्तों पर आता हूं
कि दो दोस्त खजाने की तलाश में जा रहे हैं, तो एक दोस्त को तो उसके गुरुजी ने बता दिया कि भाई उस देश में जहां तुम खजाना ढूंढने जाओगे वहां पर पहले क्या होगा। उसने बता दिया जी पहले वहां पर पहाड़ आएंगे, फिर उसके बाद नदियां आएंगी, फिर उसके बाद मगरमच्छ आएंगे, फिर उसके बाद शेर चीते आएंगे। तो उन्होंने पहले से बता दिया, दूसरे को कोई गुरु नहीं मिला, तो बस उसे ही बात मालूम है कि फलाने जगह पर एक खजाना है और वो खजाने की तलाश में जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, किसके लिए खजाना पाना अभी एट इनिशियल लेवल आसान है? जिसको पहले से मालूम है। अगर मैं ये मानूं कि दोनों एक जैसी मेहनत करने वाले हैं, और मैं ये भी मानूं कि दोनों जो हैं एक जैसी मेहनत करेंगे और दोनों एक जैसा दिमाग लगाएंगे, तो बताओ काम किसके लिए आसान है? काम पहले वाले के लिए आसान है, क्योंकि उसे पहले से मैप मालूम है, उसे मालूम है कि कब कब क्या क्या होने वाला है। तो वही स्टूडेंट्स, वही भूमिका हम टीचर्स की आपके साथ होती है। हम लोग क्वेश्चंस में पहले से आप लोगों को गाइड कर देते हैं कि किस कितने टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चंस के क्या लूप होल्स होते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या ट्रिक हो सकती हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग जल्दी क्वेश्चन को सीख पाते हैं, जल्दी स्टडीज को सीख पाते हैं और पेपर कर पाते हैं। ठीक है, तो मेरी इस बात को आप हमेशा याद रखना, और ये बात हमेशा याद रखना कि सीए का मतलब एक खजाने की तलाश ही है, और ये मेहनत और दिमाग वालों का खेल है। तो इनमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं वो मैं बता दूं, उसके बाद तुम लोग फिर खजाने की तलाश में अगली क्लास में जाना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक पॉइंट तो ये आ सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया आप लोगों को कि एडजस्टमेंट इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल 20% था, किसी रीजन के कारण ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम हो गई, तो आपको यह खेल खेलना पड़ सकता है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को चेंज करेंगे और एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएंगे। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं कि सर ये मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है जो मैं लिख रहा हूं, रफ, एक रफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये कोई डबल एंट्री बुक सिस्टम नहीं है, ये प्योर एक रफ वर्क होता है। तो जब भी डबल एंट्री बुक सिस्टम में आप लोग वर्किंग में मेमोरेंडम बनाएं, तो समझ जाएं कि आप डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूल्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या आ सकता है? इसके अलावा आ सकता है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज पर AS2, आप जब स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो आपको याद होगा आपका फार्मूला क्या होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये अकाउंटेंसी का फार्मूला है। लेकिन स्टूडेंट जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो पिछले साल जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इन दोनों में लोअर पर होगा, लेकिन आप जब इंश्योरेंस क्लेम के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। जो पिछले साल क्लोजिंग जो ओपनिंग है वही पिछले साल का क्लोजिंग है। तो अगर पिछले साल NRV पर शो हुआ था तो वो तो डबल एंट्री अप्रोच थी, लेकिन जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसने इंश्योरेंस कराया है उसको तो अपने लॉस से मतलब है ना, और लॉस का मतलब जितने का उसने खरीदा था, तो खरीदा था कॉस्ट पर था ना, तो हम ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट पर दिखाना पसंद करेंगे। किस मामले में? क्योंकि हमें इंश्योरेंस क्लेम निकालना है। समझ में आया नहीं है? हमें इस समय NRV से कोई भी मतलब नहीं है। इसके अलावा सेल्स एट डिफरेंट रेट्स, क्वेश्चन में आपको सेल्स का बाइफरकेशन भी बता रखा है। जैसे कि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 100 रुपए का खरीदते हैं, देखिए जरा सामने यहां फोकस कीजिए, और बेचते हैं 120 रुपए का। ठीक है, क्वेश्चन में सेल्स बताई हुई है, मान लीजिए सेल्स बता रखी है, सेल्स बताई हुई है 10 लाख रुपए के, यह है सेलिंग प्राइस।
लेकिन क्वेश्चन में इसके बारे में बता रखा है कि 8 लाख रुपए की जो है वो नॉर्मल सेल्स है और 1 लाख रुपए की सेल्स हमने एट लॉस पे कर रखी है और बची हुई 1 लाख रुपए की सेल्स हमने 10% प्रॉफिट पर कर रखी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यानी सेल्स के तीन फार्मूले हो गए। अब एक फार्मूला नहीं रहा। ये वाली पर तो नॉर्मल जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेट रेशो है वो अप्लाई हो जाएगा। 1 लाख वाली जो लॉस पर बेची है तो आप उस वाले पर ग्रॉस प्रॉफिट काउंट नहीं कर सकते, बल्कि उस पर जो लॉस हो गया वो लॉस यहां शो करेंगे, क्योंकि अगर आपने उस लॉस को यहां शो नहीं करा तो ऐसी हालत में वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो मतलब वो स्टॉक था 1 लाख वाला, मान लीजिए आपने 90,000 का बेचा है तो सेल्स में कितने शामिल है? 90, जबकि खरीदा कितने का था? वो परचेज 1 लाख। तो 1 लाख वाला था, बेचा 90 में, तो 10,000 का लॉस है, तो 10,000 रुपये का लॉस यहां दिखाएंगे आप। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही टाइम पर हम यहां लॉस भी दिखाएं और एक ही टाइम पर यहां प्रॉफिट भी दिखाएं। तो मैंने इसका जवाब पहले से दे दिया स्टूडेंट्स, ये क्या है? रफ वर्क है। तो इसलिए बैलेंस बनाने के लिए 1 लाख का है, 90,000 की सेल्स हो गई, 10,000 रुपये का लॉस यहां दिखाएंगे। अगर आपने 10,000 रुपये का जो स्टॉक है यहां नहीं दिखाया तो वो किस में जुड़ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर में, जो कि हम, तो फिर इससे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है जो आना चाहिए वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लॉस को यहां दिखाएंगे, और जो इसमें से 1 लाख की सेल्स है जो 10% पर है उसे हम अलग से ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट का और उसके हिसाब से करेंगे, या आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए बाद में लॉस को उसमें एडजस्ट कर दीजिए, जैसा भी करें। क्लियर हो गए यहां पर? इसके अलावा कभी कभी आपको सेल्स भी गायब दे रखी होगी, परचेज भी गायब कर रखी है, तो ऐसी हालत में आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ सेल्स भी करनी पड़ सकती है या परचेज भी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा लास्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आपको रेक्टिफिकेशन एरर्स भी हो सकता है। वही वाली बात कि परचेज में, परचेज ऑफ गुड्स में आपने फर्नीचर शामिल कर दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इफ फर्नीचर हैज बीन परचेज एंड इट इज इंक्लूडेड इन द गुड्स, तो आपको परचेज में से फर्नीचर माइनस करना पड़ेगा। ये हो गया रेक्टिफिकेशन एरर्स, यानी कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर में ऐड कर दिया था आपने, ठीक है। या आपको कुछ भी हो सकता है, कार्टेज है, कार्टेज को आपने जो है किसी और चीज में शामिल कर लिया है तो वहां से आपको निकाल कर इसे यहां लाना पड़ेगा। या आपने कोई पुरानी बिल्डिंग बेची थी और उसे सेल्स में लिख दिया, क्वेश्चन में लिखा है सेल ऑफ बिल्डिंग हैज बीन शोन इन सेल्स बुक, तो सेल्स में आप बिल्डिंग को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ये वर्किंग हो सकती है, मैं यहां पर ये बना रहा हूं, ये वर्किंग हो सकती है, या ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन करते समय माइंड में रखने हैं, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्लियर है? तो लास्ट मैसेज देने के बाद आज की क्लास मैं यहां फिनिश करता हूं स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत भारद्वाज, नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से यहीं मिलूंगा। आपने आज की क्लास को अच्छे से देखना है, एक बार रिवाइज करना है और उसके बाद अपने रजिस्टर में नोट्स बनाना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नोट्स हमेशा बनने चाहिए, और मेरी वो खजाने वाली बात भूलना मत, वो हमेशा याद रखना कि आप सीए कर रहे हैं मतलब एक खजाने की तलाश है। खजाने की तलाश के लिए साहस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग के साथ मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको वो खजाना मिलता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? ऑल द बेस्ट, गुड बाय।